नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के कापसिकोपरी गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दिए गए। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनकी हालत अभी स्थिर है, डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी कर रही है। इस मामले में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर, एक आंगनबाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। यवतमाल के सोशल एक्टिविस्ट किशोर तिवारी ने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। बजट के बाद भी बाजार में रिकॉर्ड तेजी जारी। सेंसेक्स 1049 अंकों की बढ़त के साथ 49,650.05 पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान इंडेक्स 50,154.48 पर भी पहुंचा। इससे पहले इंडेक्स ने 21 जनवरी को 50,184 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ था। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 305 अंक ऊपर 14,586.70 पर कारोबार कर रहा है। बाजार की तेजी में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी 3.08% की बढ़त के साथ 34,107.85 पर कारोबार कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बजट को लेकर आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को धोखा दिया है और इससे पहले कभी भी बजट से इतनी निराशा नहीं हुई। पूर्व वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, वित्त मंत्री ने भारत के लोगों, खासकर गरीबों, कामकाजी तबके, मजदूरों, किसानों, स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों और बेरोजगार हुए लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने उनका भाषण सुन रहे सांसदों समेत उन सभी लोगों के साथ धोखा किया है जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल एवं डीजल समेत कई उत्पादों पर उपकर लगा दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के दिग्गजों की कई राउंड की मुलाकात भी हो चुकी है। बावजूद इसके ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब होगा। सूत्रों की माने तो पहले जेडीयू और बीजेपी में मंत्रियों की संख्या को लेकर पेच फंसा हुआ था। फिर वह मामला सुलझा तो बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेंगे इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। अब ऐसी जानकारी मिली है कि पार्टी आलाकमान की ओर से मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इसी के साथ ये तय माना जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने डोर टू डोर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत कर ली है। डोर टू डोर अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पटरी दुकानदारों से समर्पण निधि के रूप में सहयोग राशि की मांग की है। शहर के रिकाबगंज क्षेत्र में डोर टू डोर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करने पहुँचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली का पूजा अर्चना किया। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि अयोध्या व आसपास के जिलों में ये अभियान 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है जिसके तहत कार्यकर्ता दुकान दुकान व घर घर जाकर लोगों से समर्पण निधि प्राप्त करेंगे। वायुसेना को जल्द अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक युद्धक विमान F-16EX मिल सकता है। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती का संकेत देते हुए अमेरिकी सरकार ने F-15 श्रृंखला के सबसे नए स्वरूप के विमान भारत को देने की मंजूरी दे दी है। यह बहुउद्देश्य होने के साथ साथ हर मौसम और रात में भी हमला करने में सक्षम है। बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की उपाध्यक्ष मारिया एच लैनी ने बताया, दोनों देशों की सरकारों के बीच चर्चा हुई और फिर दोनों देशों की वायुसेना ने F-15EX के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया। राजधानी दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन आज 69वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं इस आंदोलन का केंद्र बनते जा रहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर एक किला में तब्दील हो गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँचने वाले मार्ग बंद कर दी जा रही है। प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में
चक्का जाम किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन की गूंज मंगलवार को संसद में सुनाई दी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया था। हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कल चर्चा होगी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। थोड़ी देर में विपक्ष वापस लौटा और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करने लगा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही को सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के जारी हंगामे की वजह से कार्यवाही को दोबारा 11:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार पुणे में हाल में एल्गार परिषद के कार्यक्रम में कथित आपत्तिजनक भाषणों का पता लगाने के लिए सभी भाषणों की जांच करेगी और उसके बाद ही इस संबंध में कदम उठाएगी। इस सम्मेलन का आयोजन शनिवार को हुआ था और इसमें हिस्सा लेने वालों में प्रख्यात लेखिका अरुंधति रॉय, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम मुशरिफ, बम्बई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी शामिल हैं। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी कस्बे में एक कारोबारी परिसर में सोमवार सुबह एक इमारत गिर गई और इमारत के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। वहीं इसके अलावा और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक नगर निकाय अधिकारी ने ये जानकारी दी। ठाणे नगर इकाई के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि भिवंडी के मनकोली नाका में हरियर कंपाउंड में स्थित एक इमारत सुबह करीब 10:30 मिनट के आसपास गिर गई। उसका इस्तेमाल गोदाम के रूप में किया जा रहा था।